Hello students, so welcoming again in the physics class. As we have continued with the revision, so in the previous lecture we have revised the chapter laws of motion, and in that chapter we have studied about the friction. So today we are going to start with the new topic, new chapter, that is work energy and power. इससे हम लोग revise करना start करें. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास मेन इसके कंसेप्ट हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज. देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी वर्क. वर्क एज फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज वी नो दैट वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. लेकिन अब ये जरूरी नहीं है हमारे पास कि जो बॉडी है वो एग्जैक्टली किसके डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में आपके पास क्या हो, डिस्प्लेस हो. स्टेटमेंट में तो हमने क्या बोल दिया कि दैट वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. लेकिन मैथमेटिकली अगर हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है, देन मैथमेटिकली द वर्क डन बाई अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हम लोग बात करें यहां पर, जैसे मान लो आपके पास ये जो बॉडी रखती है यहां प्लेन के ऊपर रखती है, अब क्या किया हमने कोई फोर्स जो है वो किसी एंगल थीटा के ऊपर लगा दिया विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ फोर्स एंड इट इज एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और एंगल के साथ में लगा दिया. द बॉडी दैट इज प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी दैट इज इक्वल टू एस. नाउ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहां पर कंपोनेंट निकाल करके चलूं तो कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा, एंगल इस साइड के साथ है तो यहां पर आ जाएगा एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ कॉस ऑफ थीटा. सो द वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी, अगर हम लोग बात करें तो सिंपली हम लोग ऐसा कह सकते हैं दैट दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू, हमने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन फोर्स क्या लेना है, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज आपके पास क्या लगा एफ कॉस ऑफ थीटा इनटू एस. सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा. अब वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है हमारे पास थीटा. अब क्योंकि ये कॉस ऑफ थीटा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग कॉस ऑफ थीटा, बट दिस वर्क डन दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो इट मीन्स दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट, वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड अ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द वर्क डन बाई अ फोर्स. अब अगर मैं वर्क डन की बात करूं, इसमें रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लोग निकालते हैं वर्क डन, तो वर्क डन देखो अगर फोर्स मान लो आपके पास ऐसे है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, दिस वन इज फोर्स हैविंग रेक्टेंगल कंपोनेंट्स, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऐसे रहता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस वन. सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस, हम लोगों ने कर रखा है इसको. सो फोर्स पे आपके पास एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस वन. सो आई डॉट आई वन के बराबर, पता ही है हम लोगों को करना है, हम लोगों ने एक्स का एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ करेंगे. सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड, दिस वन इज द वर्क डन. ये हमारे पास क्या गया वर्क डन. अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, पहले डायमेंशंस निकालेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम लोग वर्क डन के यूनिट की बात करेंगे, ठीक है. सो डायमेंशन
सेंस की बात करें हम लोग, डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैं लिख दिया इसको एफ इनटू एस कॉस ऑफ थीटा से आपके पास डायमेंशंस नहीं होते हैं, क्योंकि टी रेशियो है हमारे पास, दिस इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स, सो देयरफॉर ऑफ द ट्रायंगल, हेंस इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन. सो यहां से फोर्स की बात करें, अगर हम लोग फोर्स के डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट के जो डायमेंशन है वो कितने हैं, सो वर्क के आपके पास डायमेंशन क्या आ गए, वर्क डन के डायमेंशन दैट इज एम वन एल टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क. अब बात करेंगे इसके यूनिट की, यूनिट में देखें अगर हम लोग तो एसआई यूनिट से चलेंगे हम लोग बेटा, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन. सो थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हुए चलते हैं उसका, एसआई यूनिट से, एसआई यूनिट यूनिट ऑफ वर्क. अगर हम लोग बात करें वर्क डन, हम लोगों ने क्या क्या दैट इज वर्क डन दैट इज एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ये किया हम लोगों ने. सो एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल डिनोटेड बाय कैपिटल जे, किसे डिनोट करेंगे कैपिटल जे से हम लोग इसको डिनोट करते हैं जूल. अब वन जूल ऑफ वर्क डन अगर हम लोगों ने डिफाइन करना हो तो हमारे पास क्या है, व्हेन दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री और दिस कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है. सो थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1 जूल, तो हमारे पास क्या है 1 जूल ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, मींस दैट इज 1 जूल दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यहां पर एक वन होता है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा के. सो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, सो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हमारे पास वर्क डन होगा दैट इज 1 जूल, एंड 1 जूल दैट इज आल्सो नोन एज 1 न्यूटन मीटर, ठीक है. अब जो सीजीएस यूनिट है हमारे पास, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज आर्क, ई आर जी, तो यहां से लेते हैं हम, जब हमारे पास क्या है फोर्स सीजीएस में लगा है 1 टाइम है एंड डिस्प्लेसमेंट एस दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, नाउ इट मींस दैट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हम लोग बोलते हैं देन दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1 आर्क. सो 1 आर्क की बात करें अगर हम लोग, देन इट इज इक्वल टू 1 टाइम इनटू 1 सेंटीमीटर इनटू 1 आर्क पास आ गया है, सो 1 आर्क दैट इज इक्वल टू 1 टाइम सेंटीमीटर, 1 टाइम सेंटीमीटर. सो वर्क डन बाय अ फोर्स इज अ 1 टाइम कब होगा, सॉरी वर्क डन इज 1 आर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 टाइम, करेक्ट करने पर वर्क डन इज अ 1 आर्क व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 टाइम, 1 टाइम डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक. अब इन दोनों में रिलेशन कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क, देखो हमारे पास क्या आ गया 1 जूल दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, अगर रिलेशन देखें हम तो 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 5 टाइम के बराबर था, मैंने इसको लिख दिया 10 रेस्ट पावर 5 टाइम और 1 मीटर को मैंने लिख दिया 10 रेस्ट पावर 2 सेंटीमीटर, सो 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 7 टाइम सेंटीमीटर. अब ये टाइम सेंटीमीटर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से दैट 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 7 यह है पास, ठीक है. सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो इसके यूनिट हम लोगों ने डिफाइन कर लिया. अब बात करते हैं हम लोग इसकी टाइप ऑफ वर्क डन, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क
हमारे पास प्रॉब्लम जो है दैट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो. वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी आपके पास स्केलर है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो वर्क डन है इट हैव पॉजिटिव वैल्यू इट हैव नेगेटिव वैल्यू एज वेल एज इट मे बी जीरो. तो देखते हैं हम लोग और कौन से किस तरह है. सो पहले बात करते हैं हम लोग किसकी वर्क डन की. मैंने यहां पर एक रिलेशन है या वर्क डन के लिए बस ये वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, वर्क डन निकालना है हम लोगों ने बाय द फोर्स अप्लाइड फोर्स. फोर्स की कंडीशन है ही है भाई, जब फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन तो जीरो ही है हमारे पास. हम लोग बात करेंगे कब जब फोर्स अप्लाई होगा उस दौरान आपके पास पॉजिटिव वर्क कब आ रहा है, नेगेटिव कब आ रहा है और जीरो कब आ रहा है. ठीक है, सो पहली बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्क. देखो थीटा कॉस ऑफ थीटा है हमारे पास जीरो के ऊपर वन आता है, उसके बाद 90 डिग्री से पहले पहले जब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसके वैल्यू क्या है आपके पास है पॉजिटिव है. ठीक है, सो ये वर्क डन क्या हुआ पॉजिटिव. सो व्हेन दिस थीटा इज एक्यूट मींस एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री then work done is positive, then work done is positive. अब केसेस देखते हैं. मैं दो डिफरेंट केसेस ऐसे देख रहा हूं जिसको हम लोग नेगेटिव वर्क डन की बात में करेंगे बाद में. वर्क डन ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी बाय अ ला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज पॉजिटिव. देखो यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, ये नीचे गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है हमारे पास. ठीक है, अब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें वो डाउनवर्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास लगेगा वो भी किस डायरेक्शन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट मींस एंगल थीटा कितना आ गया 0 डिग्री. सो वर्क डन ऑन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ पॉजिटिव. कैसा आ गया आपके पास पॉजिटिव वर्क डन. दूसरी बात वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स टू पुल अ बकेट आउट ऑफ द वेल इज पॉजिटिव. देखते हैं कैसे ये हमारे पास मान लो पुली लगा दी हम लोगों ने. ठीक है, इस तरीके से या पुली रह गई तो आप यहाँ से ये वेल है हमारे पास वाटर है और यहाँ पर हम मान लीजिए बकेट इस तरीके से इसको हम लोगों ने पुल करना है ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ. ठीक है, तो पुल कर रहे हैं इसको तो क्या होगा अप्लाइड जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट किस साइड को जाएगा दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन में. तो हमारे पास वर्क डन के आगे यहां पर दैट इज अ पॉजिटिव वर्क डन. ठीक, नेक्स्ट वन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी दैट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन दैट इज आल्सो पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द ट्रेन टू पुल द ट्रेन. ट्रेन है हमारे पास, जैसे मान लो ये आपके पास इंजन आ गया ट्रेन का, दिस वन इज द इंजन ऑफ ट्रेन. ठीक, ये हमें मान ये साइड को क्या करेगा डिपेंड जो आपके पास क्या है इसके कंपार्टमेंट्स हैं उनको क्या करेगा इसी डायरेक्शन में क्या करेगा पुल करेगा. अब देखो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इनका किस डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में होगा. दिस इज फोर्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री. सो वर्क डन बाय दिस फोर्स बाय द फोर्स ऑफ अ इंजन टू पुल द ट्रेन दैट इज आल्सो पॉजिटिव वर्क डन. ये भी कौन सा होता है पास पॉजिटिव वर्क डन आपके पास है. दूसरा हमारे पास कौन सा होता है नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन की बात कर लेते हैं हम लोग. नेगेटिव बात करते हैं हम लोग तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है
नेगेटिव हो जाती है, 180 डिग्री के ऊपर कॉस की वैल्यू आती है -1, ठीक है, 0 के ऊपर +1 और 180 डिग्री के ऊपर कितनी आ जाती है -1 हो जाती है। अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, अपवर्ड थ्रो कर दिया हम लोग इस टाइम से, देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज अ नेगेटिव। देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना गया 180 डिग्री आ गया आपका, सो कॉस ऑफ 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1, हेंस वर्क डन दैट इज अ नेगेटिव। ये वैल्यू वाला केस लिया था हम लोगों ने यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब बकेट ऊपर जाएगी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस केस, आपके पास क्या हो गया इस साइड पर ग्रेविटी लग रहा है, ये भी वर्क डन क्या हो गया बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज नेगेटिव, बाय द फोर्स लाइट फोर्स क्या था पॉजिटिव, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज नेगेटिव, हमारे पास वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। हमने पिछले चैप्टर में पिछला जो लेक्चर किया था उसमें बात की थी कि दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, तो हमारे पास क्या है कि दैट इट ऑलवेज अपोजिस द मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो उस केस में आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा आपके पास दैट इज अ नेगेटिव बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मान लो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड को आ गई, ये भी जिगजैग कांटेक्ट में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच की जो एंगल है दैट इज अ 180 डिग्री, हैज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अ नेगेटिव, मतलब रेजिस्टिव फोर्स जो भी वर्क डन करेगा आपके पास दैट इज अ व्हिच वन दैट इज अ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द व्हीकल then the vehicle that stop or deaccelerate, then the work done by the force, जो resistive force है which is applied by the brakes, that is also negative work done, वो कैसा आएगा आपके पास है negative work done। अब सबसे important यहाँ पर बात है हमारे पास that is zero work done की बात करते हैं, दो cases आते हैं हमारे पास zero work में, देखें क्या क्या है हमारे पास, third जीरो वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो व्हेन आइदर दिस एस इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी जीरो, फोर्स बता रहे हैं हम लोग लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। जैसे मान लो आपके पास व्हेन अ वॉल, कोई वॉल है दीवार है हमारे पास, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपन दैट इज पुश्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, अब फोर्स तो बता रहे हैं लेकिन दीवार तो हिल नहीं रही है भाई वहां से, तो उस केस में आपके पास क्या है दैट दिस एस इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू जीरो, हैज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक। सेकंड वन, व्हेन अ मैन कैरिंग अ हैवी लोड ऑन द हेड एंड इज स्टैंडिंग ऑन वन प्लेस, सर के ऊपर वजन उठाया हुआ है और एक जगह पर खड़ा है, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू जीरो उस केस में, तो हमारे पास वहां पर वर्क डन दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। A man carrying a suitcase in the hand and waiting for the bus at the bus stop, standing है, standing position में है, तो उस केस में क्या है आपके पास that there is a no displacement, has the work done that is equal to zero हमारे पास आ गया। अब दूसरा केस हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके पास क्या आ गया when theta is equal to 90 degree means force is acting perpendicular to the direction of the displacement, इसमें एक एग्जांपल दिया था हम लोगों ने दैट व्हेन अ कुली कैरिंग अ हैवी लोड ऑन द हेड एंड मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ये मान लो प्लेटफॉर्म है आपके पास, यहां पर कुली ने क्या किया है हेड के ऊपर लोड जो है वो उठाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें इसकी वर्क डन की, उसकी वर्क डन बाय दैट, यहां पर मान लो ये हैवी लोड उसने उठा रखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो पुली है इसमें डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स एक्ट करेगा आपके पास क्या दैट वेट दैट एक्ट लाइक एज अ फोर्स, वेट दैट इज आल्सो अ फोर्स, तो वेट हमारे पास एक्ट करेगा एज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास आ गया दिस इज एम जी दैट इज 90 डिग्री, सो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 90 डिग्री, हेंस द वर्क डन बाय द पुली इज अ जीरो, कितना हो गया आपके पास जीरो हो गया। दूसरी बात हमारे पास, हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमने अभी बात की है पिछले से पिछले चैप्टर में बात की थी हम लोगों ने कि दैट सेंट्रीपिटल फोर्स दैट एक्ट
अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अभी पिछले लेक्चर में भी बात की थी हम लोग ने इसके सेंट्रिपेटल फोर्स की, पिछले में की थी हम लोग ने, तो उसमें क्या है कि, और दूसरी बात जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट के ऊपर दैट एक्ट अलोंग द टेंजेंट टू अ पाथ। अब जब आपके पास सर्कुलर मोशन है किसी का भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर, सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो हमारे पास ये रेडियस आ गई, तो सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट के ऊपर वो आपके पास आएगी क्या अलोंग द टेंजेंट। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल आपके पास बनेगा ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वही डायरेक्शन ऑफ किसकी आएगी डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, टेंजेंट एंड रेडियस दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज अ जीरो, कैसा आएगा जीरो। सो दिस इज अ रीजन दैट हमने बात की है कि जो ये अर्थ हमारे पास आ गई अर्थ ये, और इसके चारों तरफ जो मून रिवॉल्व करेगा दैट इज इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ये मून दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। इनको जो ये रेडियस जो है आपके पास फ्लाई कर रही है। अब जो ग्रेविटेशन पुल है अर्थ ऑन द मून दैट एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये ग्रेविटेशन पुल एट द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज ऑलवेज कैसे है कि आपके पास टेंजेंट टू द पाथ ऑर्बिट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री आपके पास आ गया, ठीक है। तो यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास आ गया। सो क्या हुआ आपके पास, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून टू रिवॉल्व इट अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज आल्सो जीरो, वो भी क्या है आपके पास जीरो के बराबर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसकी, यहाँ पर जो पेंडुलम आपके पास क्या करता है ऑसिलेट करता है इस तरीके से, यहाँ पर भी आपके पास जो ये फोर्स लगता है कौन सा ये वाला, तो इसको क्या कर रहा है आपके पास फोर्स हमेशा किस साइड पर लगेगा, अगर बात करें हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करें तो ये रेडियस हमारे पास इस साइड को आ गई, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसे लग रहा है हमारे पास और डायरेक्ट सा मोशन कैसा है यहाँ पर टेंजेंट से आएगी, तो यहाँ पर वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा तो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी आपके पास कोई बॉडी क्या है बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास कुछ है एग्जांपल्स थे, ठीक है बेटा। अब हम लोग छोटा करते दैट इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। सो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की बात करें अगर हम लोग, तो ये तो बात की थी हम लोगों ने जब फोर्स क्या था कॉन्स्टेंट था हमारे पास, लेकिन वेरिएबल फोर्स की बात करें हम लोग यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है हमारे पास, फोर्स दैट इज वेरी, फोर्स हमारे पास वेरी करता है इस तरीके से, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स की वजह से। देखो जब फोर्स आपके पास वेरी कर रहा है विद द डिस्टेंस, अलग अलग फोर्स है, जब भी हम लोग किसी बॉडी को क्या करते हैं मूव कराते हैं तो फोर्स जो है बाय चांस जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, अदरवाइज इट वेरीज। पहला लिख रहा है हमारे पास ग्राफिकल मेथड से, लिखा ग्राफिकल मेथड, जैसे मान लो हमारे पास ये फोर्स है जो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है और इस साइड को मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट आपके पास और इस साइड को मान लिया मैंने फोर्स, ठीक। ये आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वेरिएशन ऐसे आए, ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या आगे वेरिएशन आ गया। और मैं इसको क्या करूँगा बेटा, इसको थोड़ा सा जो एरिया है उसको मैं अलग अलग हिस्सों में बांट लूँ, मान लो ये आपके पास ऐसे है, this is point A, this is B, this one is C, this one is D, S. The area of the force displacement graph is divided into small, small strips. ऐसे में छोटे-छोटे strips में क्या कर दिया हिस्सों में इसको बांट दिया इस तरह से, ऐसे बहुत छोटे-छोटे हैं, यहाँ तो बड़े-बड़े दिखा दिए मैंने, लेकिन ये है कि आपके पास बहुत ही छोटे-छोटे हिस्से हैं, ये rectangular portion में मैंने इसको
यहाँ पर मान लो पोजिशन है आपके पास एक्स वन और यहाँ पर क्या है एक्स टू, एक्स एन भी मान सकते हैं और आप लोग एक्स वी भी मान सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया एक रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ से चूज कर लिया, ये वाला ये वाला ये हिस्सा मैं चूज कर, इसका नाम बदल रहे हैं दिस इज पी क्यू आर एंड एस दिस। अब पी क्यू दैट इज इक्वल टू आर एस, मान लो ये है आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के बराबर दिस डी एक्स, डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। तो मान लो ये क्या है पी क्यू दैट इज इक्वल टू आर एस दैट इज इक्वल टू डी एक्स के बराबर। इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास जो फोर्स है दैट मीन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो ये मैंने मान लिया फोर्स यहां पर ठीक है। सो दिस पी एस इज इक्वल टू क्यू आर दैट इज इक्वल टू फोर्स एफ, ये हमारे पास। सो वर्क डन स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू इज गिवन बाय पी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स का वर्ग और कॉस ऑफ थीटा क्या हो गया जीरो डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री सो कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू वन ठीक है। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू ये एफ इसके बराबर रख दूंगा दैट इज इक्वल टू पी एस इन टू दिस इज पी क्यू, ये पी एस इन टू पी क्यू सो दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दैट इज एरिया कौन सा पी क्यू आर एस। सो टोटल वर्क डन नेट वर्क डन from here that is a to b is given by that is integrate कर देंगे हम लोग इसको कहाँ से that is a from here x1 to x2 की बात करते हैं हम लोग that is x1 to x2 that is f dx so that is this work done that is integration of what that is a area कौन सा ये b q r s कहाँ से आपके पास ये x1 से x2 तो टोटल एरिया निकालोगे तो पूरा जीरो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या रहेगा दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू एरिया कौन सा ए बी सी डी ए दिस वन एरिया, ये एरिया पूरा का पूरा ठीक है। सो फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्क डन ठीक है। इसके अंदर जो एरिया आएगा दैट विल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, वही हमारे पास इसको वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करें, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये वेरिएबल फोर्स से निकाल रहे हैं ठीक है। सो मैथमेटिकल कंजर्वेटिव फोर्सेस
द फोर्स बाय विच और अगेंस्ट विच द वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑनली डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द वर्क इज नोन एज अ कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड हुआ, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के ऊपर ही डिपेंड हुआ आपके पास, पाथ के ऊपर से क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ. तो उस तरह के फोर्सों के बोलते हम लोग ने कंजर्वेटिव फोर्स बोलते. अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेज आपके पास कौन कौन सी हैं? पहली बात आपके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या हम लोग बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों क्या है आपके पास? कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आप बात करें हम लोग इसकी मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्सेस कौन से हैं आपके पास? दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. ऐसे आ गया आपके पास कंजर्वेटिव इन नेचर. अब हमने प्रूव करना है कि दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज अ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, इट ऑल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. मान लो कोई बॉडी जो है मास जिसका मास m है दैट इज रेस्ट टू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, बाय द थ्रू द डिफरेंट पाथ्स हमने क्या किया, यहां से बॉडी को उठा दिया कांधा का हाइट एस तक. देखो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो बिल्डिंग की छत के ऊपर जाना हो, हमारे पास सीधी लिफ्ट भी है, लिफ्ट से जा सकते हैं हम लोग, तो भी कुछ वर्क डन होगा बाई द लिफ्ट. ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या है, एक रैंप बना हुआ है तो उस रैंप के थ्रू जा सकते हैं हम लोग, स्लैंडिंग जा सकते हैं. ये तीसरा हमारे पास क्या है, अगर मान लो क्या है स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स लगे हैं तो स्टेयर से हम लोग जा सकते हैं, वही केस हम लोग यहाँ पर लिफ्ट पे चले. तो मान लो पहले केस में आपके पास बॉडी है उसको हम लोग ने ये मैंने एक ये मान लिया ये ग्राउंड आपके पास सरफेस हो गया इस हाइट पर हम लोगों ने लेकर जा. पहली कंडीशन जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लेकर के गए हाइट एस तक इस पॉइंट से. ठीक है, ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये पॉइंट बी मान लिया और ये हाइट आपके पास दैट इज एच कर एस में. अब मिनिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, तो फोर्स हम लोगों ने इस साइड पर अप्लाई कर दिया ऐसे ये दिस वन, सो दिस फोर्स एफ दैट इज इक्वल टू एम जी के बराबर और जो डिस्प्लेसमेंट है एस दैट इज इक्वल टू हाइट के बराबर. यहां से यहां तक लेकर के जाना, अब जिस साइड को हम लोग कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी साइड पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मींस थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो वर्क डन आपके पास पहले इस पर कितना आ गया दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू एम जी इन टू एच कॉस 0 इज इक्वल टू 1. अब मान लो हमारे पास ऐसे है ये हाइट है, ये है ऐसे है, ये एच ही है हमारे पास. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया इसको किसी स्लैंडिंग पास में रखे गए जो कि एंगल यहाँ पर थीटा है. ठीक है, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड लेट दिस पॉइंट इज सी. हाइट हम लोगों ने उतनी ही रखी है, देखो यहां से हाइट कितनी रखी हम लोगों ने एच के बराबर ही रखी. मान लो किसी लाइन के ऊपर हमारे पास जो बॉडी है वो यहां जैसे यहां पर वेट इसके ऊपर रिएक्ट करेगा जैसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये आ गया एम जी आपके पास. नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगी तो इसकी बिल्कुल कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर लगेगी, तो हमारे पास इस साइड को लगेगी नॉर्मल रिएक्शन आर हमारे पास, और इस साइड को अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं तो दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एम जी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस वन इज एम जी साइन थीटा इस साइड. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 0. अब इस साइड को हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करना है इसको मूव क्रॉम के एफ, सो दिस फोर्स दैट इज मिनिमम इक्वल टू विच वन, विच वन दैट इज एम जी साइन थीटा, तो इतना लगाना पड़ेगा हम लोगों को. तो सेकंड केस में ये पहला था, दूसरे केस में आपके पास क्या आ जाए एफ दैट इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा. ठीक है, हाइट किसके बराबर है, एच के बराबर है हमारे पास. ठीक है,
सो वर्क डन की बात कर रहे हैं, पहले यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां से यहां लेफ्ट पे जा रहा है, ठीक है। सो वर्क डन, वर्क डन सेकंड केस की बात कर रहा हूं, दैट इज अ फोर्स इनटू दिस वन डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू सी बी के बराबर, ठीक है। अब सी बी की बात करें हम लोग, यहां से ये निकाल रहे हैं, इसका तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यह आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या साइन थीटा निकाल रहा हूं मैं, यहां यस कर रहा हूं एच अपॉन दिस वन, ए बी अपॉन सी बी परपेंडिकुलर अपॉन अकॉर्डिंग टू दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो मैंने बात कर ली यहां से इसकी, दैट इज अ ए बी अपॉन सी बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो दिस ए बी कौन सा आपके पास, दिस वन दैट इज अ सी बी की बात कर लेता हूं मैं, यहां पर सी बी दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एच अपॉन साइन ऑफ थीटा, ए बी इसके बराबर आपके पास है एच के बराबर, ठीक है। अब वैल्यू रख दें यहां पर, वर्क डन एम जी फोर्स किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा, सी बी किसके बराबर आ गया आपके पास एच अपॉन साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा आपके पास एच लॉट हो गया, या तो साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू दिस वन दैट इज ए बी अपॉन सी बी, तो सी बी से आपके पास सी बी का आंसर हो जाएगा, कोई मिला की बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू एम जी एच के बराबर हमारे पास, ये भी क्या हो गया आपके पास, उसी के ऊपर डिपेंड है इसके ऊपर हाइट जो आपके पास है। तीसरा मान लो हम लोगों ने इस तरीके से ना लेकर के गए, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर स्टेयर्स का यूज किया, कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। कोई सा भी क्लोज्ड पाथ हो आपके पास,
उसके थ्रू एक बार अगर ले आए हम लोग तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट आर सेम हैज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से आ गए हमारे पास? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव वो हो गए बेटा द फोर्स बाय विच आर अगेंस्ट विच द वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सॉरी डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ठीक है, ध्यान दे, फिर से सुन लो इसको। द फोर्स बाय विच आर अगेंस्ट विच द वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट depend on the initial position and the final position as well as the nature of the path through which the body is taken or brought is known as a non-conservative force। मतलब अब initial और final position के ऊपर तो depend है ही है, लेकिन साथ के साथ किसके ऊपर depend हो गया आपके पास? That is the nature of the path through which the body is taken, जिस path के through इसको लेकर के आए, then the forces are known as a which one is a non-conservative force। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर बात करें हम लोग, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जितने भी रेजिस्टिव फोर्स आपके पास आएंगे सारे के सारे दैट आर विच वन दैट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके पास आएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की थी हम लोगों ने, दैट इज आल्सो विच वन दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास आएंगे। ठीक, तो ये जो फोर्स है हमारे पास दैट इज विच वन दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन्स दैट the force in which that the dissipation of the energy that takes place in the form of the heat, matlab energy jo hai heat ki form mein aapke paas kya ho jata hai, kuch loss ho jata hai, to wo force aapke paas kya hote hain, that are known as a non conservative force। ab non conservative forces mein aapke paas kya hota hai ki that the work done to move a body once around the closed path is never zero। non conservative force mein aisa nahi hoga, dekho ye hum log body ko yahan le jaye और फिर यहां से यहां ले आए, अब यहां पर भले ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया आने के बाद, लेकिन क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसा ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, नेचर ऑफ द पाथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर वर्क डन जो है आपके पास जीरो नहीं हुआ। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इनको अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चले और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से तो बात करते हैं हम इसकी, दैट इज पावर। पावर, पावर क्या आता है हमारे पास में? पावर की बात करेंगे हम, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, सीधी सी बात है हमारे पास, दैट इज रेट ऑफ वर्क डन दैट इज नोन एज पावर। अब पावर हम लोग बोले अगर, सो इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट मीन्स टू डू सम वर्क इफ लेस इज द टाइम टेकन देन मोर इज द पावर, एंड इफ मोर इज द टाइम टेकन देन लेस इज द पावर। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या करते हैं, पावर की बात करें हम लोग यहां से समझते हैं, जैसे मान लो आपके पास छत के ऊपर एक टंकी रखी गई है, उसमें पानी भरना है, अगर कम पावर का मोटर लगाएंगे हम लोग तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे उसी टंकी को भरने में, लेकिन अगर ज़्यादा पावर का मोटर लगा दी तो उसी टंकी को भरने में उतना ही काम करने में वो क्या करेंगे, कम टाइम लगाएंगे, इट मीन्स जो ज़्यादा पावर का मोटर है आपके पास वो कम टाइम में उतना ही वर्क कर देंगे। सो रेट ऑफ वर्क डन किसका ज़्यादा है, जिसकी पावर जो है आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसकी ये पावर की बात करूँ, तो वर्क डन हमारे पास आता है ये, मैं इसको मान लो करता हूँ डब्ल्यू, और ये टाइम हमारे पास इसके बराबर आता है दैट इज अ डी टी, मैं ऐसे डी डब्ल्यू ओवर डी टी दैट इज अ वर्क डन करेंगे टाइम। सो पावर वर्क डन आता है आपके पास एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, सो दिस इज अ चेंज इन पोजिशन पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, सो पावर दैट इज इक्वल टू एफ डॉट वी के बराबर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द and velocity, it is also known as the instantaneous power। instantaneous power,
यूनिट की बात करें हम लोग, पहले डायमेंशंस निकालने के पावर थे, देखो पावर हमारे पास आगे वर्क डन पर यूनिट है, वर्क डन हमारे पास मास में यूनिट है उसके डायमेंशंस। वर्क डन में क्या है m1 l2 t-2 और टाइम है हमारे पास t। सो पावर के जो डायमेंशंस आपके पास आगे दे सकते हैं m1 l2 t-3, यही आगे यूनिट की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर तो ऐसा ही नहीं पावर इज वाट, वाट डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू वाट। सो 1 वाट पावर अगर हम लोग डिवाइड यहाँ पर डिफाइन करें तो हमारे पास क्या है दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1 जूल एंड टाइम टेकन दैट इज 1 सेकंड देन पावर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई पावर दैट इज इक्वल टू 1 वाट। सो 1 वाट दैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड मीन्स दैट इज अ जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड की अगर हम लोग ये यूनिट लिख देते हैं दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। सो व्हेन द वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड दैट द पावर इज अ 1 वाट, ठीक है। और व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन अ 1 सेकंड दैट द पावर इज अ 1 वाट हमारे पास आ जाता है। अब इसके जो यूनिट है आपके पास वो बड़े यूनिट भी है बिगर यूनिट है हमारे पास। तो बिगर यूनिट में अगर बात करें हम लोग तो किलोवाट आता है हमारे पास किलोवाट, तो किलोवाट दैट इज 10^3 वाट। अगर मेगावाट की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 10^6 वाट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक आता है हॉर्स पावर, इंजीनियरिंग में जो यूनिट किए जाते हैं हमारे पास यूज किए जाते हैं इसके पावर के, जैसे मोटर आपके पास बनती है तो उसमें पावर लिखी होती है हॉर्स पावर। सो हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वाट ये हमारे पास क्या जाती है पावर आ जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर पावर। अब हम लोग बात करेंगे किसके एनर्जी का कंसेप्ट लेकर के चलेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट हम लोग लेकर के चलेंगे इसमें अगले जो आपके पास रिविजन लेक्चर होगा उसमें हम लोग एनर्जी की बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ पर दैट इज फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों ने बेटा इतना ही इसको रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं इसके, ठीक है। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।